डिब्रुगढ़ से चलकर न्यू तिनसुकिया होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 15906 विवेक एक्सप्रेस गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है तो आप गलत हो, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज से थोड़े टाइम पहले तक मेरे को भी यही लगता था कि भाई प्रोबेबली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट होगा, मगर एक्चुअली अभी आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो गुजरात से लेकर कामाख्या, ये भी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट नहीं है। मगर ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं 100 डेज़ की बैकपैकिंग ट्रिप पर निकला हूँ, 100 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज से एक महीने पहले मैंने ये ट्रेन बोर्ड करी थी जब मैं बनारस से कामाख्या मतलब बेसिकली गुवाहाटी आया था, और यहाँ पर इस ट्रेन में मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले थे जो 3-3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे। तो मैं सोचता हूँ भाई ये क्या ही एक्सपीरियंस होगा, मतलब क्या वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि यूजुअली कहीं भी हमें जाना होता है हम फ्लाइट ले लेते हैं चले जाते हैं, मगर 4-5 दिन ट्रेन के अंदर बिताना, मोर देन 80 आवर्स ट्रेन के अंदर स्पेंड करना, ये भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और क्योंकि मैं इस 100 डेज़ की सीरीज़ का आइडिया ही यही है कि मैं जितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर सकता हूँ मेरे को करना चाहिए। फ्लाइट से क्या है 2-3 घंटे में पहुँच गया, बट इससे हम ऐसा लैंडस्केप देखते हुए जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर करेंगे। इसलिए आज मैं खड़ा हूँ डिब्रुगढ़ स्टेशन पर जो कि असम के अंदर है, एंड यहाँ से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ डिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन का नंबर है 15906, एंड नाउ लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन। तो अभी मैं बड़ी खुशी खुशी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में चढ़ा ही होता हूँ कि तभी भाई मेरी अलॉटेड सीट देखकर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो जी इस 4 दिन की जर्नी के अंदर मेरे को ये वाली सीट अलॉट हुई है, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे सामने दीवार है, मैं किससे बात करूंगा। तो इस बहुत ही लंबी जर्नी में मेरी पहली कोशिश रहेगी एक अच्छी सीट अरेंज करना। तो मैं अपनी सीट नंबर 50 छोड़कर लग जाता हूँ एक परफेक्ट सीट की खोज में, जो कि मुझे तुरंत ही मिल जाती है, सीट नंबर 47। और ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इससे मैं ऊपर वालों से बात कर सकता हूँ, जो नीचे बैठे हैं उनसे बात कर सकता हूँ, और जब मेरे को प्राइवेसी चाहिए तो पर्दा करके तुरंत प्राइवेसी भी ले सकता हूँ। सब कुछ बढ़िया है इस सीट में, बस एक दिक्कत है कि ये सीट मेरी नहीं है। और इसीलिए जब गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। पर उस रात शायद किस्मत मेरे साथ थी। तो भाई मैं ऐसी परेशान हो रहा था कि इस सीट पर जो बंदा आएगा उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा, क्या बोलूंगा। बट उस सीट पर क्या, मेरे तो पूरे कंपार्टमेंट में ही अब तक कोई नहीं चढ़ा है। एक और स्टेशन निकल गया है मगर इस सीट पर कोई नहीं आया। तो इसलिए फिर मस्त कंफर्टेबल होके मैं अपना डिनर करता हूँ। हाँ, डिनर टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, वो मुझे हर बारी अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। अब भाई मेरे को सही में नींद आ रही है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। तो जी आज है ट्रेन के अंदर मेरी पहली सुबह, और पहली सुबह पर ही मैंने ये बड़ी सिली गलती कर दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज पहली सुबह है और अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, जब तक मेरे को बात रियलाइज़ होती है कि मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तो मैं सुबह 5:30-6 बजे ही उठ गया था। 6 बजे जब मैं उठा तो यहाँ से कुछ भैया फूड मतलब ब्रेकफास्ट लेके पास हो रहे थे, ऑमलेट वगैरह कटलेट। मैंने कहा अभी 6 बजे हैं, सुबह सुबह थोड़ी खाएंगे, आराम से खा लेंगे। मैं 6:30 से लेके तुम मानोगे नहीं, 6:30 से लेके 11:15 हो गए हैं, 11:15, और फिर वो मेरे को दोबारा नहीं मिला। अब जो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है खाली चना और अंडा बिरयानी। भाई मैंने कल रात में भी बिरयानी खाई थी और मेरे को सुबह सुबह चावल नहीं चलेंगे, मैं पिछले 1 महीने से नॉर्थ ईस्ट में चावल खा रहा हूँ, नहीं खाना मेरे को और हो गया मेरा। तो मैं वहीं ट्रेन में आधी दोपहर तक भूखा बैठा रहता हूँ, तभी मेरे को IRCTC से एक मैसेज आता है। मैसेज के अंदर IRCTC के एक ऐप का लिंक होता है जिससे मैं ट्रेन में बैठे बैठे ही फूड ऑर्डर कर सकता हूँ और वो फूड सीधा मेरी ट्रेन की सीट पर डिलीवर होगा, जिस पर मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं उस ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता हूँ। भाई इतना क्रेजी हो गया, मैं रैंडमली ऐसे रेस्टोरेंट स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को डोमिनोज मिल गया और मैंने डोमिनोज ऑर्डर कर दिया। देखो 1 महीने से मैं नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ, मैंने कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाया है और मैं सुबह शाम बस चावल खा रहा था, तो अभी मेरा डन हो गया है। और जब मैंने वो डोमिनोज देखा ना भाई, मैं पिघल गया। तो मैंने अब ऑर्डर कर दिया है, 2:30 बजे जब ये ट्रेन जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुँचेगी, बेसिकली सिलीगुड़ी पहुँचेगी, तब वहाँ पर मेरे को मेरी ही सीट पर डोमिनोज की डिलीवरी हो जाएगी। और मैंने एडवांस में कोई पेमेंट भी नहीं किया कि भाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे कैसे रिकवर करूँगा, पे ऑन डिलीवरी है। तो अगर मेरा पिज्ज़ा आएगा तो भाई मैं पैसे दूंगा, बहुत सही है यार ये। चलो
और फिर कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद मेरा वो स्टेशन आ जाता है और स्टेशन के साथ साथ मेरे चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है क्योंकि अब सच का पता चलने वाला है। मेरा ही ऑर्डर है ये। तो भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है ये सर्विस कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। मैं जैसे ही गाड़ी रुकती है मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ, डिलीवरी वाला भाई खड़ा है। टेंटेड एंड हियर इट इज। बहुत सही, मेरी तरफ से 10 out of 10। और एक्चुअली अच्छा, क्योंकि मैंने डोमिनो से ऑर्डर किया था तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 था, तभी फ्री डिलीवरी मिलनी थी। मगर यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, अगर डोमिनोज पिज्जा वीज़ा नहीं खाना है, लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू उनका 100 है। 100 का ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी, सीट पे फ्री डिलीवरी होगी भाई। अभी मैं मस्त अपना पिज्ज़ा इंजॉय कर रहा होता हूँ कि उसी स्टेशन पर मेरी फेवरेट सीट पर एक पैसेंजर आ जाते हैं जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी पुरानी बेकार सीट पर लौट जाता हूँ। वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर नीचे वाली सीट पर भी एक आंटी आ चुकी है। देखो भाई, अब मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वैसे ऑकवर्ड लगने की कोई वजह नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि यार उन्हें शायद कंफर्टेबल नहीं लगेगा कि मैं जब वहाँ बैठूंगा, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ और उसके बाद अपने साथी वाले कंपार्टमेंट में फिर से चला जाता हूँ। भैया मैं इधर बैठ जाऊंगा। हाँ बैठ जाओ। थैंक यू। अब इस वाले कंपार्टमेंट में मेरे को मेरे जैसे ही लोग मिल जाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं और देखते ही देखते हमारी मस्त दोस्ती हो जाती है। ये भाई अभी मेरे को फोन पे अपने कोई तो पुराने ऐसे मस्ती से भरे किस्से दिखा रहे होते हैं। हंसते खेलते वो पूरी शाम निकल जाती है और फिर समय आ जाता है मेरे को मेरी सीट पर जाने का, जहां पर पता नहीं क्यों मैं फिर से थोड़ा ऑकवर्डली जाके खड़े हो जाता हूँ। फिर थोड़ा समय से पहले ही अपनी सीट पर चढ़ जाता हूँ और मस्त अपने फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट लगाकर सुनने लग जाता हूँ। तभी ट्रेन के स्टाफ में से ही एक भाई मेरे को आके एक छोटी सी वार्निंग देते हैं। अपना सामान वामान जो कुछ भी है जो ध्यान से रखना है, ये गाड़ी में चोरी हो जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू, ध्यान रखो। ओके। उनकी वार्निंग सुनने के बाद मैं जो अपनी सीट को अपना नानी का घर समझ के बैठा हूँ उसको थोड़ा संभालता हूँ, सामान को कोने करके उसके ऊपर एक तकिया रख देता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ अब सेफ है, अब कोई नहीं देखेगा इसे। उस रात मेरे को अपने सीट नंबर 50 मिलने पर खुशी होती है कि भाई एकदम कोने की सीट है, यहाँ पर कोई चोर कैसे ही आ पाएगा, इसलिए फिर मस्त टेंशन फ्री सो जाता हूँ। अगले दिन की सुबह मैं वो गलती नहीं करता। दोस्तों डे टू की मॉर्निंग है और कल वाली बेवकूफ़ी आज मैंने अवॉइड करी है, तो जब ब्रेकफास्ट आया था मैंने ले लिया, इसके अंदर है पूड़ी आलू। जैसे ही मौका मिलता है चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ और मस्त खा के बैठ जाता हूँ। एक और स्टेशन, अब तो मेरे को पता भी नहीं है कितने घंटे हो चुके हैं बस इसी ट्रेन के अंदर चलते जा रहे हैं, बट एक चीज़ अच्छी लग रही है कि जैसे जैसे चल रहा है ना लैंडस्केप ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। क्या गर्मी पड़ रही है, बहुत सॉलिड गर्मी हो गई इधर, बहुत ज़्यादा सॉलिड। पर दिन में मेरे से फिर से यही मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं कुछ खाने का ऑर्डर ही नहीं करता। मैं सोचता हूँ अभी तो खाना खाया था, पर भाई 3 पूड़ी से मेरे इस बड़े शरीर का क्या होने वाला है, मुझे बहुत जल्दी बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। हम खाना लाए, आप खाइएगा। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, नहीं खा लीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। पर फिर भूख इतनी लग रही होती है कि मैं चुपचाप उनका खाना एक्सेप्ट कर लेता हूँ और थैंक यू बोलकर खाना लग जाता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है, लीजिए फिर खाइएगा। और सामान लाए हैं, खाइएगा। ये जो लीटी है, ये नमकीन है, ये खाजा, ये भूजा हुआ चना। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बे, 4-5, वो पता नहीं कितना ही सारा खाना बना के लेके आई होती है और मैं थैंकफुल होता हूँ कि वाह मेरे को क्या को पैसेंजर मिला है। अब तो पूरी जर्नी बहुत ही आराम से कट जाएगी, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये कुछ नमकीन है,
प्रिया जी के अकॉर्डिंग चाय के अंदर डाल के बेटर टेस्ट आता है, तो अभी मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। वैसे तो कैमरा गिरेगा। टेस्टिंग टाइम। भाई सच बताऊँ, मेरी मम्मी भी ऐसे पीती है। हमारे वहाँ आलू भुजिया मिलता है, वो मम्मी ना ऊपर से चाय के अंदर डाल के पीती है। मेरे को नहीं समझ आता, मगर मेरे को क्रिस्पी वो खत्म हो जाता है वो। अभी मैं अपना खाना खत्म करता ही हूँ कि तभी बाहर से कुछ शोर आता है। पता लगता है कि हमारे कंपार्टमेंट में से दो फोन चोरी हो चुके हैं, और इसलिए पैसेंजर्स की कंप्लेन के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारे कोच के साथ ही लगे जनरल कंपार्टमेंट का कोच है, उसकी एंट्रेंस को लॉक कर दिया जाए। एक तरह से सही ही लगता है कि चलो अब चोरी का कोई खतरा नहीं रहेगा, मगर दूसरी तरफ मुझे बुरा भी बहुत लगता है। हमारे कंपार्टमेंट और इस बाथरूम वाले एरिया में जगह ही जगह है, और वहीं जस्ट साथ में देख लो तो एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, खड़ा रहने तक की वहां जगह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने भी जनरल में ट्रैवल किया था, और भाई साहब वहां की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है। इस पर सच में जनरल कंपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए किसी तो कंसर्न अथॉरिटी को कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, पर मैं तब क्या ही कर सकता था, अजीब डिलेमा में था। इसलिए थोड़ी देर वहीं गेट के किनारे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि अब मेरा एसी में जाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ देर में प्रिया जी भी वहाँ आ जाती हैं, और फिर हम अच्छे से सनसेट देखते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, और फिर वापस अपने एसी वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर अपनी प्रिविलेज का बहुत एहसास होता है। आज जर्नी की आखिरी सुबह, और भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शरीर थोड़ा अकड़ सा गया है। ओ भाई बैठे बैठे ऐसा पीठ भी अकड़ गई है, पर अभी मैं पहुंचा हूं कोयम्बटूर स्टेशन पे। अब तक इस जर्नी में हमने कितने ही लैंडस्केप बदलते हुए देखा है। अच्छा बाय द वे, एक स्पेशल शाउट आउट इन भाई जी को, जिन्होंने ट्रेन ना जाने कितनी बार ही बीच में आकर साफ की है, और हर बारी एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ साफ की है। बोल दो, अभी जो बोल रहे थे, इंसान मुश्किल से जिंदा मिला है, एक बार जीना है, एक बार मरना है, जिंदगी में क्या है, जियो जीने दो। सही है। ट्रेन के सफर को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करता हुआ मैं जा रहा होता हूँ, तभी मेरा फोन बजता है और मेरे को एक गुड न्यूज का नोटिफिकेशन आता है कि उस समय हमारा ये चैनल मंकी मैजिक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन चुका था, और मैं इस समय बहुत ही खुश था। खुशी की तो बात है ही, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा हूँ, और आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, कभी व्यूज नहीं आए, कभी वीडियोस को ट्रैक्शन नहीं मिला। मगर आज अचानक ही आप सब लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है कि जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो मेरे बस 1 लाख हुए ही थे, और आज जब मैं ट्रेन से उतरने वाला हूँ तो मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। और जैसा कि क्रिस्टोफर मैकेंडलिस ने कहा था कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, और भाई साहब मैं इस समय इतना ज्यादा खुश था कि मेरे को ये खुशी बाकी सबके साथ बांटनी ही थी। अब मेरे दोस्त और मेरे घर वाले तो मेरे से कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, मगर ये खुशी मैं अपने को पैसेंजर्स के साथ ही बांटूंगा। ऑर्डर डन, 4:30 बजे ट्रेन में पिज्जा पार्टी। जिन लोगों के साथ मैं पिछले 4 दिन से ये सफर कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करूंगा। मैं अपने साइड वाले कंपार्टमेंट में लोगों के साथ पिज्जा शेयर करता हूँ। प्रिया जी के साथ पिज्जा शेयर करता हूँ। हमारी पिज्जा पार्टी चल रही है क्योंकि 300 केक ऑलमोस्ट पूरे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और अंत में जो ट्रेन का स्टाफ, जो इतना हेल्पफुल स्टाफ था, उनके साथ भी पिज्जा शेयर करता हूँ, जहाँ पर हमारी मुलाकात ट्रेन के टीटी से भी होती है, और वो भी हमारी खुशी में शामिल होते हैं, और साथ में हम लोग पिज्जा एंजॉय करते हैं। पिज्जा पार्टी खत्म होने के बाद और इस जर्नी में आखिरी झटका मेरे को तब लगता है जब मेरे को प्रिया जी की एज पता चली। 24-25 साल का है। आप इनकी उम्र भी मेरे ही जितनी है, और इनकी अभी 5 साल की एक बेटी भी है। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों कितने सेम हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, और आज कितनी ही ज्यादा अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। मैं जो बस अभी भटक रहा हूँ और लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये है जो पूरी की पूरी गृहस्थी संभाले हुए हैं। एक एक करके लोग उतरने लग जाते हैं, और सबको अच्छे से गुड बाय बोलने के बाद अंत में मैं अपने कंपार्टमेंट में फिर से अकेला रह जाता हूँ। चढ़ा था अकेला, अब फिर से बैठा हूँ अकेला। तो यार ट्रेन की शुरुआत हुई थी अकेले, और अभी मैं फिर से हूँ।
बिल्कुल अकेला, लास्ट तक पता नहीं कोई नहीं जा रहा है। और इसी के साथ रात के 1:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाती है कन्याकुमारी स्टेशन पर। चढ़ा था ट्रेन 16 तारीख को 7:25 PM को और उतर रहा हूं 20 तारीख को सुबह 1:30 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, बट खैर बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ी जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ। हमने 16 तारीख शाम को 7:30 बजे ट्रेन बोर्ड करी थी डिब्रूगढ़ से और यहाँ पर ट्रेन पहुँची थी रात के 20 तारीख को रात के 1:30 बजे 1:30 AM। तो ये टोटल हो गई कुछ 78 आवर्स की जर्नी। और ऐसे ही नहीं कहते कि इंडियन रेलवेज़ की एक द ग्रेट एक्सपीरियंस, द ग्रेट जर्नी। आप कितने ही लोगों से मिलते हो, कितने ही किस्से आपके साथ होते हैं, कितनी कहानियाँ होती हैं, कितने कनेक्शंस बनाते हो। मैंने भी बहुत सारे बनाए, कुछ कुछ मैं कैमरा पर कैप्चर कर पाया, कुछ कुछ मैं कैमरा पर कैप्चर नहीं कर पाया, बट मेरे दिल में वो है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोर्ड करने का एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा मंकी मैजिक के नाम से, माय नेम बबलू गुप्ता, यूपी प्रयागराज संगम। ओके तो अच्छा, प्रयागराज से मैं भी बनारस से घूम के आ रहा हूँ। आप तुम्हारे एरिया निकल गए? हाँ, वहाँ से घूम के आ रहा हूँ। अच्छा, घूम के आ रहे हैं। टूरिस्ट है, लास्ट वीडियो बना रहे हैं बस। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कॉमेंट, बबलू भैया की तरफ से भी आप भी बोल दीजिए एक लाइक एक कॉमेंट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हम रोए चाहे न रोए, जिसको छोड़ के जाते हैं वो तो रोता ही रोता है। अरे 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 पूरा वो लोग वहाँ पर उदास मुगल है, ससुराल से आए हैं ना, पूरा फोन पर फोन कर रहा है। हो गई और क्या, रौनक लगा के रखता होगा घर पे। क्योंकि यही नहीं ना कि बस लेक्चर बाजी करते हैं, संग संग आदमी की दो ही चीज तो पसंद है, खुश रहना खाना। तो यही दोनों चीज दीजिएगा किसी को तो वो अटकेगा, उसको वो थोड़ा सा भी ये तो देगा, यही अच्छा लगेगा।